हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ख्वाजा गरीब नवाज ने गौसे पाक ने क्या फरमाया, कदम ही हाथ ही आला रकमति कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम, मेरा बोलो, नाराज हो गए, कदम नहीं रखवा सकते गौसे पाक का क्या गर्दन पे, बड़ा नुकसान है ना रखने में, वो भी बताऊंगा अभी आपको मैं। फरमाया कदमी हादही अला रकमती कुल्ली वली अल्लाह, ये मकाम सरकार गौसे पाक को कब और कहां मिला, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी रिवायतें भी हैं। सरकार मेरे आका करीम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब की बारगाह में मेराज के लिए तशरीफ लेकर के गए, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, जिब्रील ठहर गए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिब्रील पर्दे किस लिए नहीं हो, तो जिब्रील ने अर्ज किया था आका ताकत नहीं है, अगर एक पाल बराबर आगे गया तो मेरे पर जला दिए जाएंगे, सरकार मैं आपके साथ इसलिए नहीं चल सकता मैं आप जैसा नहीं हूं, और आपको इसलिए नहीं रोक सकता कि आप मेरे जैसे नहीं हैं, और देखो तो सही फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन कहता है सरकार आप मेरे जैसे नहीं, मैं आप जैसा नहीं, तो आला हजरत बोले सबसे आला बाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा। सरकार जिब्रील से कहते चलो, कहते सरकार नहीं चल सकता, अभी जिब्रील ठहरे हैं, सरकार ने आगे बढ़ने का इरादा किया है, एक फर्दे कामिल एक इंसान जाहिर हुआ, आकर के गर्दन झुका दी, मेरे नबी ने अपना कदम उठाया, गर्दन पे कदम रखा, आगे बढ़ गए, रब की बारगाह में पहुंचे, जाते ही सवाल कर दिया ए परवरदिगारे आलम, जहां पर फरिश्तों का सरदार दम तोड़ गया हो, जिसने जहां पर फरिश्तों के सरदार ने साथ देने से इनकार कर दिया हो, जहां फरिश्तों की रसाई खत्म हो जाती है, वहां मैंने एक इंसान को देखा है, और से सुनना प्यारे अर्ज करते हैं ए अल्लाह मैंने वहां इंसान को देखा है, उसने गर्दन आगे बढ़ाई, मैंने कदम रखा आगे बढ़ गया, बोला वो इंसान कौन था, रब का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया महबूब वो कोई आम बंदा नहीं बल्कि वो तेरा बेटा होगा, तेरी उम्मत में होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा, जिस तरह मैंने नबियों में तुझको लाजवाब बनाया है उसी तरह वलियों में अब्दुल कादिर को लाजवाब बनाया, इसी तरह अब्दुल कादिर को मैंने वली में लाजवाब बनाया। मेरे नबी आए मेराज से वापस आए, आकर के आका ने दुआ दी अब्दुल कादिर तूने मेरे कदम के नीचे अपनी गर्दन झुका दी, जा कयामत तक आने वाला हर वली तेरे कदम के नीचे अपनी गर्दन झुका दे। ये दुआ आमीना के लाल ने अता फरमाई है, सरकार गौसे आजम बगदाद में है, ऐलान फरमा रहे हैं कदमी हादी आला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, सारे वलियों ने गर्दन झुका दी है, वो वली जो माँ के पेट में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, वो वली जो आलम अरवाह में है उन्होंने भी गर्दन झुका दी, वो 313 औलियाए कामिले जो रूए जमीन पर जलवा करते उन्होंने भी अपनी गर्दनों को झुका दिया, सबने अपनी अपनी गर्दने झुका दी, उस वक्त में गरीब नवाज खरासान की पहाड़ी में है, इबादत खुदा में मसरूफ है, अब्दुल कादिर सरकार गौसे की आवाज कानों से टकराई, और जैसी कानों से ये आवाज आई मैं पूछना चाहता हूँ बगदाद से गौसे पाक बोल रहे हैं, कोई वायरलेस नहीं है, कोई माइक नहीं है, कोई फोन नहीं है, खरासान की खाड़ी में खरासान की पहाड़ी के अंदर मेरा गरीब नवाज बैठा है, आवाज आती है कदमी हाजी ही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सरकार गरीब नवाज गर्दन झुका दे रहे हैं और कहते आका बलाला आईनी फरासी, आप गर्दन की बात करते हो, सच ये है कि तेरा कदम अब मोइनुद्दीन की आंखों पे भी है सर पे, और गौसे पाक फरमाते हैं झुकते चले गए, इतना झुके इतना झुके इतना झुके कि मेरे गरीब नवाज की पेशानी जमीन पे लग गई, कहां लगी, जमीन पे लगी, जब जमीन पे लगी मेरे गौसे पाक ने ये जवाब सुना मुस्कुरा दिया,
खरासान से गरीब नवाज कहते आका गर्दन की बात करते हो, गर्दन की बात करते हो। मामला तो यह कि मेरी आंखों और मेरे सर पे आपका कदम है, हैं? इसी तरह हमारे बरेली से आवाज आती है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गोशे आजम। लोग कहते हैं आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता लिखा है गोशे पाक का, अरे नादान तू क्या जाने, ये मर्तबे हर किसी को नहीं मिलते, ये मर्तबे उन्हीं को मिलते हैं जिनको मेरे सरकार अपने जलवे दिखाया करते। हर किसी को मैसर भी नहीं होते, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम हो से आजम। सरकार गरीब नवाज ने गर्दन झुकाई, पेशानी जमीन से टकरा जाती है, सरकार वो से पाक मुस्कुरा देते हैं। मोइनुद्दीन इतनी ताजी मेरी कि तूने अपनी पेशानी इतनी झुकाई कि जमीन से लग गई, सौर तेरे इस एहतराम का बदला हम तुझे दे रहे हैं। आवाज आती है या मोइनुद्दीन जाल तो का सुल्तान अल हिंद, ए मोइनुद्दीन हम तुझे हिंदुस्तान की सल्तनत अता फरमा रहे हैं, हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमा रहे हैं। राजा गरीब नवाज अपने घर आ गए, एक बार मदीने से सदा आई मुईन अपने नाना से मिलकर के चला जाए। खाजा खाजा बहुत खर्चे हैं, कभी खाजा को समझा नहीं है। मदीने से आवाज आ रही है, बगदाद की सरजमीन पर गरीब नवाज बैठे हैं। आवाज आती है नाना की, अय मोइनुद्दीन नाना से मिलकर के चला जा। आंख में आंसू आ गए गरीब नवाज के, उस वक्त जब आए थे तो उस्मान हारूनी लेकर के आए थे, पहले खुद नहीं आए थे, लाए गए थे पहले उस्ताद लेकर के आए थे, आज नाना बुला रहे हैं। जैसी कहा था मोइनुद्दीन नाना से मिलने के लिए आ जाओ, गरीब नवाज चले हैं, आंख में आंसू है, कदम तेज तेज नाना के शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। शहर मदीना आए हैं, मस्जिद नबी में कयाम किया है, बहुत सारे मोइन बैठे हुए थे, मुस्तफा के मजार के गुलाम वहां बैठे हैं। एक खादिम ने आकर के कहा मोइनुद्दीन को आका बुला रहे हैं। जैसे ये जुमला सुना है सरकार गरीब नवाज की चीख निकल जाती है, कहते हैं मैं मोइन नहीं हो सकता, इसलिए कहां मेरे नाना, कहां उनका नवासा, किस आंख को लेकर के जाऊं, कौन सा चेहरा लेकर के जाऊं नाना की बारगाह हमें, रो रहे हैं बैठे हुए। जैसे ये जुमला कहा था एक गुलाम ने कि मोइनुद्दीन को मुस्तफा बुला रहे हैं, और जितने मोइन नाम के लोग बैठे थे सब दौड़ पड़े मुस्तफा के मजार की तरफ, सब जा रहे हैं बारी बारी दरवाजे पे जा रहे हैं। आवाज आती है इनको नहीं बुलाया है, इनको नहीं बुलाया है, इनको नहीं बुलाया है। खादिम कहता है सरकार बहुत से मोइन है, आप उस मोइन की तफसीस फरमा दीजिए, किस मोइन को बुलाया है। तो सुनो मेरे आका जुमला इरशाद फरमाते हैं, हमने और किसी मोइन को नहीं बुलाया, अगर बुलाया है तो मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया। और करना का हमने मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया। सरकार गरीब नवाज ने जुमला सुना, दौड़े और जाने के बाद सरकार के मजार की चौखट पर ठहर गए। नाना का मजार सामने ठहर गए, अंदर से आवाज आती मोइनुद्दीन नाना से दूर रहोगे आओ सीने से तो लग जाओ, नाना से दूर खड़े रहोगे आओ सीने से तो लग जाओ। जैसी सरकार गरीब नवाज ने अपनी निगाहों को उठाया है, निगाहें पुरनवार से मुस्तफा के मजार का जलवा देखना चाहते थे, लेकिन सच्चाई क्या है, जैसी गरीब नवाज की निगाह उठी है दिन का उजाला है, रात का अंधेरा ना था, सो नहीं रहे थे, जाग रहे थे, कब्र में मुस्तफा ना थे बल्कि बाहर खड़े होकर हाथ से इशारा फरमा रहे थे आ जा मोइनुद्दीन नाना के सीने से आकर के लग जा, नाना के सीने से लग जा। गरीब नवाज तोड़े हैं मुस्तफा के सीने से लग जाते हैं। जब सरकार की जिंदगी देखी तो मेरा इमाम कहने लगा तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे नारे इंसान। सरकार ने अपने शहजादे को सीने से लगाया। अल्लाह, और गौर से सुनो, फरमाया मोइनुद्दीन हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि आज हम तुम्हें हिंदुस्तान की सल्तनत देना चाहते हैं। गर्दन झुका दी गरीब नवाज ने, आका हिंदुस्तान नाना, कहा हाँ हमने तुम्हें हिंदुस्तान का कुतुब बना दिया।
अर्ज करते नाना कभी हिंदुस्तान न गया कैसे जाऊंगा। साइंस का दौर न था, कंप्यूटर और इंटरनेट का दौर नहीं था। आओ नबी को मजबूर मानने वालों आओ, नबी को मोहताज समझने वालों आओ, गरीब नवाज की महफिल में बैठ करके देखो। जैसे ही कहा था गरीब नवाज ने, नाना कभी हिंदुस्तान नहीं देखा है, मेरे सरकार ने फरमाया था मोइनुद्दीन रास्ता दिखाना हमारा काम है, हिंदुस्तान जाना तुम्हारा काम है। गौर करना के हिंदुस्तान जाना तुम्हारा काम है। मेरे सरकार ने निगाह करम फरमाई, सारे रास्ते मुनकशिफ होते जा रहे हैं। अर्ज करते सरकार कहाँ जाना है, मेरे आका ने फरमाया मोइनुद्दीन तुम्हें अपनी सल्तनत अजमेर में जमाना है। कहते हिंदुस्तान में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, कितने लोगों को कलमा पढ़ाया? 90 लाख को। हिंदुस्तान कौन सा था? यही था जिसमें हम रहते हैं। पूरा एशिया शामिल है उसमें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं सब शामिल हैं गरीब नवाज की सल्तनत में। ये हिस्से तो बाद में हुए हैं, मेरा खाजा तो पहले ही राजा बन बैठा है। आए गरीब नवाज, इजाजत हो तो थोड़ी देर, आए गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर। आते रहे रास्ते में एक जगह 7 आतिशपरस्त आए, कहने लगे सुना आप बहुत बड़े वली बन गए हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। सरकार गरीब नवाज मुस्कुराती, कैसे आए हो? कहने लगे कि हम आग की पूजा करते हैं, तुम किसकी पूजा करते हो? मेरे गरीब नवाज ने फरमाया तुम आग को पूजते हो, हम कायनात को पैदा करने वाले की पूजा करते हैं। खाजा गरीब नवाज ने फरमाया तुम आपकी पूजा किस लिए करते हो? तो उन्होंने कहा गरीब नवाज बात यह है, हम आपकी पूजा इसलिए करते हैं, हम आपको पूजेंगे तो आग हमें जलाएगी नहीं। कहा अच्छा इतना यकीन करते हो? कहा कि हाँ इतना ही यकीन करते हैं। कहा और अगर आप नहीं पूजेंगे तो आग आपको जला देगी? तो सरकार गरीब नवाज मुस्कुरा के कहते हैं मुझे जलाने की बात करते हो, आग में ताकत ये कहाँ हो सकती है कि मोइनुद्दीन को जलाए? अरे आग में इतनी भी ताकत नहीं है कि मोइनुद्दीन के जूतों को जला सके, मोइनुद्दीन के जूतों को जला सके। कहा था उन्होंने कहा कि जरा यकीन करा कर दिखाइए। मेरे गरीब नवाज ने खादिम को हुक्म दिया हमारे जूते उठा करके आग में डाल दिए जाए। जूते उठाए गए, आग के हवाले कर दिए गए, आग में जूते गए। गरीब नवाज की जबान खोली, फरमाया आग मेरे जूतों को हरकत मत देना, ये गरीब नवाज के जूते हैं। थोड़ी देर के बाद जूते निकाले गए, जब निकाल करके देखे तो ऐसा लग रहा था जैसे फ्रिज से निकाले गए हैं। जलाना तो बड़ी बात, गरम तक ना हुए थे। कहने लगे मोइनुद्दीन जब तुम्हारे जूतों का ये आलम है तो तुम्हारे कदमों का आलम क्या? हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। ये मामला सरकार गरीब नवाज का है। सरकार गरीब नवाज आ रहे हैं, अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहे हैं, उसके बाद भारत की सरजमीन पे आकर के कदम रखा गरीब नवाज ने। गरीब नवाज दिल्ली से अजमेर की तरफ रवाना हुए थे तो रास्ते में ख्वाजा गरीब नवाज ने 700 खानदानों को इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ फरमा दिया था। अब लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है। आओ इस्लाम की हिस्ट्री उठा करके देखो। ख्वाजा गरीब नवाज से पहले शहाबुद्दीन गौरी आया था भारत की सरजमीन पर फतह करने के लिए, लश्कर लेकर के आया था इस्लाम का परचम लहराने के लिए। लेकिन जब भारत की हुकूमतों से, भारत के राजाओं से मुकाबला हुआ था तो हर तरफ अफरा तफरी थी, मारकाट शुरू हो गई थी। अब मामला ये था वो कौम जब कभी दुश्मन से नहारी हो, वो कौम कभी जिसके कदम न उखड़े हो, आज उसके कदम उखड़ रहे हैं। मुसलमान भाग रहे हैं, मुसलमान हर तरफ तोड़ रहे थे। और मामला ये था कि शहाबुद्दीन गौरी भी मारा जाने वाला था, वो तो एक गुलाम बचा करके ले गया वरना शहाबुद्दीन गौरी भी मारा जाता। हैरत में थी दुनिया, अरसों वर्ष सवाल कर रहे थे इसलिए भगा रहे हैं ताकि इसकी जगह पर मोइनुद्दीन अजमेरी को बुलाया जाए। मोइनुद्दीन अजमेरी को बुलाया जाए।
मोइनुद्दीन अजमेरी को बुलाया जाए, ए अल्लाह मोहम्मद गौरी के जरिए भारत को फतह करा देता। रब ने अपनी जवाब देती, नहीं नहीं, अगर आज मोहम्मद गौरी की तलवार से एक भी मुसलमान हो गया तो कयामत तक आने वाले मुसलमानों को दुनिया ताने देगी कि मुसलमान तलवार की बुनियाद पर फैला है, मुसलमान तलवार की बुनियाद पर फैला है। आज हम इसको भगा कर, खाजा को भुला कर, इस्लाम फैला कर ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम कभी तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला, अगर फैला है तो गरीब नवाज के किरदार की बुनियाद, गरीब नवाज के किरदार की बुनियाद पर। आप ये बताइए, सुनने बैठे के लंगर लेने के लिए बैठे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। कहा कि हम गरीब नवाज को बुलाएंगे और इसको मोहम्मद गौरी को भगाएंगे। भगाया गया, मोइनुद्दीन अजमेरी को बुलाया गया। आए ख्वाजा गरीब नवाज, आपने सुना, बैठे ऊंट उठाए, ये बहुत अहम बात है। आओ एक बात बता दूं, सरकार गरीब नवाज पे पानी बंद कर दिया गया, बहुत तवज्जो के साथ हजरत, पानी बंद कर दिया गया गरीब नवाज पर। सरकार गरीब नवाज ने कहा जाओ लोटा लेकर के जाओ, बात तफसील से बयान की जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी, कहा जाओ लोटा लेकर के जाओ पानी भर लाओ। गुलाम गया सागर में, डाला प्याले को, लोटे को डाला, और डालने के बाद जब निकाला तो अनसागर सूख चुका था, सारा पानी लोटे के अंदर आ गया था। गौर किया आपने ये क्यों? आप अंदाजा लगाइए, सुलह हुदैबिया के मौके पर सहाबा इकराम प्यासे सरकार की बारगाह में आकर के अर्ज करते, आका पानी खत्म हो गया है, सवारियां प्यासी हैं, बच्चे भी प्यासे हैं, हम भी प्यासे हैं, आका वुजू के लिए पानी नहीं है, गुस्ल के प्याले के लिए पानी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया एक लोटा ले लिया जाए, उसमें थोड़ा सा पानी हो। जब वो लोटा लाया गया उसमें थोड़ा सा पानी था, सरकार ने अपना दस्ते मुबारक उसमें डाला, अब उसके अंदर से पानी के चश्मे जारी हो रहे हैं, सहाबा इकराम पानी पी भी रहे हैं और वुजू भी कर रहे हैं, गुस्ल भी कर रहे हैं, एक लोटे पानी में बरकत होती जा रही है, पानी सबके लिए जरूरत के लिए काफी होता जा रहा है। उसके बाद सहाबा से पूछा गया था तुम कितने लोग थे और कितना पानी तुम्हारे लिए काफी हुआ था, कम तो नहीं पड़ गया था? तो सहाबा ने कहा था रब्बुल इज्जत की कसम, जिस दिन हमारे सरकार ने लोटे में दस्ते अपदस डाला था उस वक्त हम 1500 थे और पानी की कसरत का आलम यह था कि अगर 1,500,000 भी होते तो पानी सबके लिए पूरा हो जाता, सबके लिए पूरा हो जाता। मेरे नबी ने पानी के अंदर, लोटे के अंदर हाथ डाल करके उससे आना सागर जैसी कई झीले निकाल दी है, नाना का मामला है कि लोटे से झीले बहा दी है, और इधर नवासा है कि एक झील को लोटे के अंदर बंद करके दिखा दिया। बस ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था, जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ तो होगी मुलाकात। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुस सलाम अलैकुम।